प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभागार में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की मंडलीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि मंडल के सभी जनपदों में L2 एवं L3 अस्पतालों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वहाँ मैन पावर बढ़ाने की व्यवस्था के साथ ही उन कर्मियों का प्रशिक्षण अवश्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि कहीं भी L2 एवं L3 में बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में उपलब्ध 108 एम्बुलेंस की संख्या में से आधा कोविड हेतु लगाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव हेतु सतर्कता सावधानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में एंटीजन एवं RT-PCR की जांच निःशुल्क होती है। इसमें अगर कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में टेस्टिंग रेट निर्धारित किए जाएं और यदि निर्धारित रेट से अधिक किसी प्राइवेट अस्पताल में धनराशि ली जाती है तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक आदि प्रांतों में कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यादा है। वहां से आने वालों का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग अवश्य कराया जाए तथा इसके अतिरिक्त हर ग्राम पंचायत, वार्डों, नगर निकायों आदि में निगरानी समितियां गठित कर उसे क्रियाशील किया जाए और वे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़े होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के साथ ही RT-PCR टेस्टिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए तथा मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित हो और पब्लिक प्लेस पर भीड़ ना हो एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी किया जाए तथा इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कार्यक्रम आयोजन खुले मैदान में आयोजित किया जाता है तो वहां 200 तथा बंद कमरे में 100 से अधिक की पब्लिक मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा स्वच्छता एवं सैनिटाइजर पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा व्यापक पैमाने पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के साथ ही उसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि जिस भी जनपद में 500 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हो वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाए तथा शादी विवाह के कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक सीमित किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसकी समुचित व्यवस्था के साथ ही यह सुनिश्चित हो कि ज्यादा भीड़ ना हो पाए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों के साथ ही JEE-AES के नियंत्रण हेतु भी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं और सभी ETC को क्रियाशील किया जाए तथा एंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण हेतु गठित अंतरविभागीय समन्वय समिति के विभागीय अधिकारी अपने अपने दायित्वों को समयबद्ध निर्वहन करें तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि गंदगी ही इन बीमारियों की जननी है। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंडल में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों उपायों का प्रस्तुतीकरण जनपदवार करते हुए बताया कि मंडल में RRT एक्टिव की गई है तथा कंटेनमेंट एक्टिविटी पर गुणवत्तायुक्त कार्रवाई की जा रही है तथा निगरानी समितियां भी क्रियाशील हैं तथा कोविड टीकाकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए तथा मंडल में एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कोविड-19 के नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम में 150 कर्मचारी तैनात हैं जो 3 शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं तथा कोविड वैक्सीनेशन प्रगति पर है तथा बचाव संबंधी कार्रवाई की जा रही है। बैठक में सदर सांसद रवि किशन, विधायक शीतल पांडे, विपिन सिंह, संत प्रसाद, संगीता यादव, डॉक्टर विमलेश पासवान, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP दिनेश कुमार पी, CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित मंडल के सभी CMO मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे तथा ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, हम तो
सीएम साहब ने हम लोगों की पूरे मंडल की समीक्षा ली है और उसमें इन्होंने थोड़ी सी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, जो हमारे मंडल की एवरेज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है 10% आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का एक पॉजिटिव आता तो उसके 25 कॉन्टैक्ट ढूंढे जाए और 25 कॉन्टैक्ट के साथ में सभी की सैंपलिंग की जाए। और हम लोग कोशिश में हैं, आप उनके दिशा निर्देश में हम सैंपलिंग बढ़ाएंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अच्छी खासी कर लेंगे। दूसरी चीज़ सर ने इच्छा जाहिर की है कि टोटल सैंपलिंग जो है जो हम कर रहे हैं भी 6,000 के आसपास कर रहे हैं, हालांकि टारगेट मुझे स्टेट गवर्नमेंट से मिला है 3,000 का, लेकिन हम 6,000 कर रहे हैं, तो इसको भी आगे और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और कहा उन्होंने कि RT-PCR की टेस्टिंग ज़्यादा हो, जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ लोकल में जा करके वहाँ कोई गाड़ी लगा करके वहाँ पर लोकेलिटी में पूरी टेस्टिंग करा दी जाए। हमारे 56 सेंटर्स चल रहे हैं जो जिसमें टेस्टिंग हो रही है और 5 हमारे MMUs हैं जो गाड़ी है जिसमें कि डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और एक लैब टेक्नीशियन होती है, वो गाड़ी कहीं भी जाके खड़ी हो जाती है 400-500 का टेस्टिंग कर लेती है। तो 5 हमारे टेस्ट MMUs हैं जो भी क्रियाशील हैं, अभी हर जगह हम भेज रहे हैं, किसी फैक्ट्री में हम भेजा था, अभी पिछली बार फैक्ट्री में भेजा हुआ था, वहाँ सभी लोगों की जांच हो गई, तो इस तरह से हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आ गई है कोविड वैक्सीन, आ गई है, कब तक आज कल में आ जाएगी और हम कल से हो जा रही है सर, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा हो जा रही है, 1,00,000 मौकों को मिल रही है और अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मेन बैठक कोरोना को लेकर थी, कोरोना पर हम कैसे नियंत्रण पाएं इसके लिए सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और जिलाधिकारी से कहा गया कि आप, कोरोना बढ़ रहा है तो रात का कर्फ्यू भी यहाँ 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने सबसे अनुरोध भी किया है कि शादी ब्याह जो भी धार्मिक आयोजन है उनमें संख्या उस पर सख्ती से पालन किया जाए और जो भी कार्यक्रम है रात के 10 बजे तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाए। और जो हमारे पूरे गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के सारे CMOs भी थे, उनको भी डायरेक्शन दिया गया कि कोविड किसी भी हालत में बढ़ने ना पाए, उस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो सके, गांव देहात में भी जा करके लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया जाए, गांव स्तर पर सफाई किया जाए, जिससे हम कोविड पर कंट्रोल कर।